जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीवर्क एंड रिपेयर के बारे में कि रीवर्क क्या होता है और रिपेयर क्या होता है। साथियों, हर जगह पर रिपेयर एंड रीवर्क वर्ड यूज किया जाता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों के वर्क में डिफरेंस क्या है और इसका मतलब क्या होता है। साथियों, हम लोग इसको समझेंगे एज पर स्टैंडर्ड IATF 16949 के बेस पर। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि यह वीडियो हर जरूरतमंद को मिल सके। साथियों, आइए समझते हैं कि रिवर्क एंड रिपेयर होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी किसी कंपनी में, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन निकलता है उसका फाइनल चेकिंग जब किया जाता है तो उसका दो कंडीशन मिलता है। एक होता है कि वो प्रोडक्ट जो भी सैंपल निकला है, जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था, जिस स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया गया था, वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन को, उस रिक्वायरमेंट को 100% मीट करता हो, मतलब वो एज पर रिक्वायरमेंट गुड है, वेल एंड गुड है, वो बिल्कुल पास है, उस पर कोई टेंशन नहीं है। एंड दूसरा क्या बनता है, ये हो सकता है कि जो सैंपल आपने प्रोडक्शन निकाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपने किया है, वो जिस स्पेसिफिकेशन के लिए आप बना रहे हो, जिस रिक्वायरमेंट के लिए आप बना रहे हो, वो उसके रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा हो, उसके स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा हो, ये क्या हो गया, नॉन कॉन्फर्मेंस हो जाती है आपकी। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो आपका प्रोडक्शन जो है बिल्कुल पास है, वो रिक्वायरमेंट को कन्फर्म कर रहा है, मीट कर रहा है, वो गुड है। दूसरा क्या हो गया, वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है, कन्फर्म नहीं कर रहा है, वो नॉन कन्फर्मेंस है। तो इस नॉन कन्फर्मेंस वाले में आकर के यहाँ पर बात होती है रिपेयर एंड रीवर्क की। यहाँ पर तीन टर्म होती है, एक होती है रीवर्क, दूसरा होता है रिपेयर एंड तीसरा होता है स्क्रैप। तो हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है और इनका आपस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीवर्क का। साथियों, रीवर्क जो है स्टैंडर्ड IATF 16949 का क्लॉज नंबर में आता है 8.7.1.4। क्लॉज नंबर 8.7.1.4 में रीवर्क का डिस्कशन किया गया है, वहां पर प्रॉपर बताया गया है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताता हूं कि जब भी कोई प्रोडक्शन अपने रिक्वायरमेंट को, स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म नहीं करता है, नॉन कन्फर्मेंस होता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा से काम करके उसे उसके स्पेसिफिकेशन को मीट कराना, उसके रिक्वायरमेंट को कन्फर्म करवाना रीवर्क कहलाता है। मतलब जब भी प्रोडक्शन निकला, वो प्रोडक्ट जिस मेजरमेंट के ऊपर बनाया जा रहा था, जो भी उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया गया था, उसको मीट नहीं किया, लेकिन दोबारा से आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर पास किया और उसे उस स्पेसिफिकेशन को मीट करा दिया, आपने 100% मीट करा दिया, कन्फर्म करा दिया, ये प्रोसेस जो होता है रीवर्क कहलाता है। एंड रिपेयर की अगर हम बात करें तो साथियों, रिपेयर में आप नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो वो उसके 100% स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करा पाते हैं। मतलब जो भी क्राइटेरिया दिया गया था, जो भी रिक्वायरमेंट दिया गया था, आप उसके रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करा पाते हैं 100%, बट कस्टमर के इंटेंडेड यूज के लिए आप इसे रेडी कर देते हैं। मतलब वो उसके स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं किया, लेकिन कस्टमर अपने इंटेंडेड यूज के लिए इसे ले सकता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिपेयर। एंड तीसरा आता है कि उसे न आप रिवर्क कर सकते हैं, न रिपेयर कर सकते हैं। तो जब कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो बिल्कुल ही खराब है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उस प्रोडक्ट को हम स्क्रैप कर देते हैं। ये तीन टर्म होती है और ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। अब इसका हम थोड़ा सा की डिफरेंस समझ लेते हैं कि रीवर्क एंड
रिपेयर में की डिफरेंस क्या होता है। हम लोग एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि रीवर्क एंड रिपेयर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्लेट है, किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इस प्लेट के ऊपर आपको 10 mm का एक 10 mm डाया का एक होल रखना है इस पे। ठीक है, 10 mm डाया का होल रखना है। तो आपने जब इसका प्रोडक्शन किया तो आपके प्रोडक्शन के टाइम पर इस पे जो होल बना वो कितना बना, 8 mm का। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कितनी, 10 mm, बट आपसे इसका होल कितना बना, 8 mm, आपसे क्या हुआ, 2 mm कम बना। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने उस 8 mm के जगह पर ही दोबारा से 10 mm का होल बना दिया, कहीं पर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, 8 mm का होल पहले से था, बट आपने उसी स्पेस पर दोबारा से 10 mm का होल बना दिया। ये वर्क क्या होगा, रिवर्क कहलाएगा। इसमें क्या हुआ कि ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट को 100% मीट कर गई, उसके स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर गया। लेकिन दूसरा रिपेयर का अगर हम एग्जांपल समझे कि इस पर आपको 10 mm का होल बनाना था, लेकिन आपसे क्या हुआ, आपने 12 mm का होल बना दिया, 12 mm का होल बना दिया, आपने 2 mm ज्यादा रख दिया इसका होल। अब रिपेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप उसके ऊपर 2 mm का कोई मटेरियल रख दिए, इसके ऊपर जो आप 2 mm ज्यादा होल बना दिए थे, 2 mm का इसके ऊपर कोई मटेरियल अलग से रख करके इसे फिर फिट कर दिए। तो अब ये क्या हुआ, कस्टमर तो नहीं आपको बोला था कि अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुआ तो आप उस पर मटेरियल रख दीजिए या काम चलाने के लिए कुछ जुगाड़बाजी कर दीजिए। तो ये चीज क्या हुई कि स्पेसिफिकेशन को 100% मीट नहीं की, लेकिन अगर कस्टमर का नॉर्मल यूज है तो वो अपने इंटेंडेड यूज में इस सैंपल को ले सकता है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम इसका की डिफरेंस समझ लेते हैं कि इसका की डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले हम रिवर्क की बात करें तो रिवर्क करने में जब भी हम रिवर्क करते हैं तो ये अपने स्पेसिफिकेशन को 100% कंफर्म करता है, मीट करता है। लेकिन यहीं पर अगर रिपेयर की बात करें तो रिपेयर करने के बाद वो अपने 100% स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है। ये पहला की डिफरेंस है। एंड सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो रिपेयर करने में आपको जब भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, आप सबसे पहले कस्टमर से अप्रूवल लेंगे। बिना कस्टमर के अप्रूवल का आप रिपेयर वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना कस्टमर से अप्रूवल का रिपेयर करते हैं तो एक तरह से आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसका ये प्रोडक्ट कहीं ऐसे जगह पर यूज होता हो जहां पर उसके क्वालिटी पर मेजर इफेक्ट पड़ने वाला हो, और आप जुगाड़बाजी करके रिपेयर करके उसको दे देंगे सैंपल, और उसके यहाँ कोई डैमेज हुआ या कोई भी रिस्क हुआ तो उसका पूरा प्रोडक्ट पूरा वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जब भी रिपेयर करेंगे कस्टमर से अप्रूवल लेकर करेंगे, लेकिन रीवर्क करने के लिए आपको कस्टमर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके 100% स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर रहे हैं और उसमें कोई भी जुगाड़बाजी नहीं कर रहे हैं। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो रीवर्क में वेरी लो रिस्क होता है, रिस्क न के बराबर होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन को 100% मीट कर रहा है। लेकिन रिपेयर की बात करें इसमें वेरी हाई रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर ये सैंपल यूज के टाइम पर कहीं पर इसमें कोई डैमेज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा वर्क उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत सारी ये डिफरेंसेस हैं। और अगर क्लॉज नंबर की बात करें तो रिवर्क जो है IATF 16949 के 8.7.1.4 क्लॉज में आता है, एंड रिवर्क जो है IATF 16949 के 8.7.1.5 क्लॉज में आता है। ये इसके की डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
रिपेयर एंड रीवर्क समझ में आ गया होगा। मैं छोटा सा समराइज कर देता हूं कि इसमें क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है। रीवर्क, जब भी कोई नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर दोबारा से कार्य करके उसके स्पेसिफिकेशन को 100% कन्फर्म करा देना रीवर्क कहलाता है। एंड जब भी कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मेंस हो उसके ऊपर दोबारा से काम करके उसे इंटेंडेड यूज में ले लेना बट उसके स्पेसिफिकेशन को 100% मैच नहीं करा पाते हैं वो रिपेयर कहलाता है। और उनका न रिपेयर किया जा सकता है न रिवर्क किया जा सकता है तो उस सैंपल को हम स्क्रैप कर देते हैं। ये हमारा रिवर्क, रिपेयर एंड स्क्रैप। और ये आता है हमारे स्टैंडर्ड IATF 16949 के अकॉर्डिंग हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करिए जिससे कि वो भी इस वीडियो से अपने नॉलेज को बढ़ा सके। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।